गला फटा जा रहा समझा समझा के, और यहां समझने वाले समझ ही नहीं रहे। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि बेचारे मर गए समझा समझा के, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। लोग तो रास का मतलब वही भोग विलास समझ रहे हैं। हम भी ऐसे ही मर जाएंगे समझा समझा के तुम्हें, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में नहीं घुसेगा। इसलिए अपनी औलादों को समझाओ शास्त्रों को कि क्या मतलब होता है। नहीं समझ पाए इसलिए अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं आज के बच्चे। आज के लड़के क्या कहते हैं लड़की से, सुनो तुम हमारी राधा हो राधा। लड़कियां भी क्या कहती, तुम हमारे कृष्ण हो। क्या मतलब हुआ इसका? ये लोग कृष्ण और राधा को किस रूप में देख रहे हैं? देखो जरा कितनी गंदी भावना है इन लोगों की। अरे कृष्ण और राधा तुम्हारे जैसे थे क्या? नालायकों की तरह बात कर रहे हो। एक लड़की मेरे से बोली प्रश्नोत्तरी में कि महाराज जी, कृष्ण ने प्रेम किया राधा से और विवाह कर लिया रुक्मणी से, तो हम भी किसी से विवाह करें और किसी से प्रेम करें तो क्या बुरा है? ऐसा पूछा था मेरे से। मैं कोई मनमानी कोई बात नहीं करता। तो मैंने उस लड़की को कहा, मेरी बहन तुम्हें जानकारी गलत। देखो आजकल ना लड़कियों को इतनी कम जानकारियां हैं, और इसी कम जानकारी के कारण इन लड़कियों का शोषण हो जाता है। लड़के लोग क्या कह देते हैं, अरे तुम हमारी तो राधा हो, देखो ना कृष्ण भगवान ने भी राधा से प्रेम किया था पर शादी रुक्मणी जी से की। अब इन मूर्खों को यह नहीं पता कि कृष्ण भगवान ने सबसे पहला विवाह राधा से ही किया था। ये बात इनको ज्ञान नहीं है, लेकिन ये क्या मानते हैं कि कृष्ण तो इनकी केवल प्रेमिका है। तो आजकल के लोग भी वो प्रेमिका बना के उसका शोषण करते हैं, शारीरिक शोषण कर लेते हैं ये कह कह के कि तुम हमारी प्रेमिका हो। और लड़कियों को भी क्या लगता है कि ठीक है भाई, ऐसा तो भगवान के बारे में आरोप लगा देते कि भगवान ने, ना भगवान की प्रेमिका नहीं है राधा रानी। कल हमने बताया कि राधा लक्ष्मी है और कृष्ण नारायण है, और ये सदा से पति पत्नी है सदा से। फिर आप प्रश्न करेंगे कि यदि यदि राधा लक्ष्मी है तो फिर रुक्मणी जी कौन है? चलो बताओ राधा कौन है आप बताओ। पीछे वाली मैया बताएंगी पीली साड़ी वाली, वो पीला सूट और लाल दुपट्टा आपसे। हां चलो बताओ राधा कौन है? लक्ष्मी। अब ये मैया बताएंगी पीली साड़ी वाली मैया जो लाल साड़ी वाली मैया के बगल में बैठी है। बताओ आपसे पूछ रहे हैं बताओ कि रुक्मणी जी कौन है? यदि राधा जी लक्ष्मी है तो रुक्मणी जी कौन है आप बताओ? रुक्मणी मैया कौन है? मैया यहां कौन है? हां रुक्मणी जी भी लक्ष्मी है और राधा जी भी लक्ष्मी। अब आप कहेंगे कि लक्ष्मी दो कैसे, तो आपको मैं इसका उत्तर दूं। देखो आपकी मां कौन है? आपकी मां कौन है आपके लिए? आपकी मां कौन? अरे सबकी मां लक्ष्मी होती है। हमारी मां कौन? जोर से, हमारी मां लक्ष्मी। अच्छा पत्नी कौन होती है? पत्नी कौन होती है? लक्ष्मी होती है। बेटी कौन होती है? बेटी आ गई मतलब लक्ष्मी आ गई, पत्नी आ गई मतलब लक्ष्मी आ गई, मां मतलब लक्ष्मी। ओम जय लक्ष्मी माता। और तुम्हारी बहन कौन है? वो भी लक्ष्मी। जब तुम्हारे घर में ही एक लक्ष्मी चार रूपों में रह सकती है, तो फिर रुक्मणी और राधा के रूप में लक्ष्मी दो रूपों में क्यों नहीं रह सकती? एक ही तत्व दो भागों में विभक्त हो गया है, वही राधा वही रुक्मणी। और जो 16108 पत्नियां, वो वेद की ऋचाएं हैं, वो वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद हैं। ये सब भगवान की अर्धांगिनी के रूप में पहुंच गए, भगवान ने सबको स्वीकार किया। तो राधा और रुक्मणी में कोई भेद? जोर से, रूप अलग अलग हैं, तत्व की दृष्टि एक। जैसे कानों के झुमका और गले का हार, ये दिखने में तो दो है, व्यवहार में तो दो है, पर दोनों में सोना एक ही है। बोलो हां
हाँ या ना, व्यवहार में तो कान के झुमके हैं और गले का हार दो हो गए, लेकिन सोना की दृष्टि से तो दोनों दोनों में सोना है। तो रुक्मणी और राधा रूप रंग की दृष्टि से अलग है, लीला और व्यवहार की दृष्टि में अलग है, पर तत्व की दृष्टि में वही रुक्मणी है, वही राधा है, वही रुक्मणी